मुझे याद है कि मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताया था। मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताना बाकी है। सो तुला से लेकर मीन राशियों को क्या करना चाहिए, क्या गिफ्ट इनके लिए लकी अनलकी हैं, अब बताती हूँ। तुला राशि के लोग, इस राशि के लोग भी शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। तुला राशि वालों को कंगन, चूड़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरी दे सकते हैं। कार और हीरों का हार, सुंदर चीज़ें गिफ्ट में इनको देनी चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग, ऐसी सीनरी जिसमें शौर्य और वीरता की पेंटिंग हो, मिठाई का डिब्बा दिया जा सकता है। हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति, हनुमान चालीसा, मूंगे की कोई मूर्ति, तांबे की मूर्ति, तांबे की कोई पूजा की चीज़ गिफ्ट में दी जा सकती है। धनु राशि के लोग, इस राशि वालों को कोई भी राजसी चीज़, पुस्तकें, सोने की चेन, ज्वेलरी, किताब, पूजा पाठ की चीज़ें दी जा सकती हैं। इन लोगों पर बृहस्पति ग्रह का असर होता है। मकर राशि के लोग, इन लोगों को बिजली की चीज़ें, लोहे का सामान गिफ्ट में दे सकते हैं। इस राशि के लोग शनि द्वारा संचालित होते हैं, प्रभावित होते हैं। कुंभ राशि के लोग, जूते, चप्पल, ब्रेसलेट की माला, छाता, बर्तन, पत्थर की आइटम उपहार में दे सकते हैं। मीन राशि के लोग, इनको सोने की आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, बुद्धा या भगवान की मूर्ति या किताबें या एक्वेरियम भी गिफ्ट में दे सकते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, जब भी आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले तो उसके साथ साथ नज़र लगने के भी चांसेस होते हैं कि लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे। या जब आप किसी को एक्सपेंसिव गिफ्ट दें और लोगों को पता चलता है तो भी नज़र लगती है। ऐसे में गिफ्ट को रात को मंदिर में रख देने पर पीला कपड़ा ढक दें और फिर वो किसी को दें, और बाकी पीला कपड़ा जब ढक दें तो इसको पीले कपड़े को लपेट कर वापस मंदिर में ही रख दें। और जब आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट में आए तो आप उस ज्वेलरी को पहले चने की दाल में ऐसे रखें कि वो पूरी तरह से मतलब ढक जाए चने की दाल से। अगले दिन ज्वेलरी को लॉकर में रख दें या पहन लें, और चने की दाल को किसी गरीब को दे दें या मंदिर में दे दें, तो आपकी ज्वेलरी को नज़र नहीं लगेगी। हर पति की एक शिकायत है कि वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए, तो चलिए आज आपकी ये शिकायत दूर कर देते हैं। हर पत्नी को पहचानने का फॉर्मूला बता देती हूँ। महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं, औरतों के दिमाग में स्पीच और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए 2 सेंटर होते हैं, जबकि मर्दों के दिमाग में ऐसा 1 ही सेंटर होता है। इसी कारण महिलाएं तेज़ी से और साफ साफ बोल सकती हैं, और उनके पास नॉन वर्बल इशारे भी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, बल्कि दुगने होते हैं। यानी ये कि बिना बोले भी महिलाएं बहुत कुछ बोल सकती हैं। महिलाओं के बाल रेशमी क्यों होते हैं? रेशमी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बाल की मोटाई ज़्यादा अधिक होती है, उनके बाल चिकने भी होते हैं। यही वजह है कि स्त्रियों के बाल रेशमी और मुलायम लगते हैं। यही नहीं, किसी महिला के बालों की क्वालिटी से आप उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी रिप्रोडक्शन की क्षमता के बारे में भी पता लगा सकते हैं। यानी कि बालों की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, महिला द्वारा सेहतमंद बच्चे को जन्म देने की संभावनाएँ उतनी ज़्यादा होंगी। महिलाएं ज़्यादा दर्द सहन कर सकती हैं। महिलाओं में दर्द सहने की क्षमता अधिक होती है, उन्हें दर्द का एहसास जल्दी और ज़्यादा होता है। इसके बावजूद भी वो ज़्यादा दर्द सहन शक्ति कर सकती हैं। यही वजह है कि महिलाएं सिर दर्द, बदन दर्द होते हुए भी काम करती रहती हैं। नींद में भी एक्टिव रहता है इनका दिमाग। जागते रहने की तुलना में नींद में महिलाओं के दिमागी एक्टिविटी सिर्फ 10% ही कम होती हैं। इसका अर्थ ये कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ब्रेन सोते समय भी काम करता रहता है। इस खासियत के चलते औरतें छोटे बच्चों की बेहतर ख्याल रख पाती हैं, और आपने देखा ही होगा कि आधी रात को भी शिशु की हल्की सी आवाज़ से माँ की नींद तुरंत खुल जाती है, दिल तेज़ी से धड़कता है। जी हाँ, महिलाओं का दिल ज़्यादा मजबूत माना जाता है, मर्दों के दिल के मुकाबले ये छोटा होता है। महिलाओं के दिल का एवरेज वज़न 118 ग्राम होता है, जबकि पुरुषों के दिल का वज़न 60 ग्राम इससे ज़्यादा होता है। महिलाओं का दिल पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, ऊंचे सुर ज़्यादा अच्छी तरह से सुनती हैं महिलाएं। महिलाएं हायर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ यानी कि ऊंचे सुर ज़्यादा साफ सुन सकती हैं। ये भी उन्हें बच्चे पालने में मदद करता है, क्योंकि बच्चों में रोने की आवाज़ हायर फ्रीक्वेंसी की होती है। इसीलिए माताएं अपने बच्चों का रोना तुरंत पहचान जाती हैं और उनके पास पहुंच जाती हैं। महिलाओं की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। महिलाओं की स्किन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। उन्हें स्पर्श का एहसास भी अच्छी तरह होता है, इसीलिए महिलाएं बारीक चीज़ों को छूकर पहचान जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से
मर्द मोटी स्किन वाले होते हैं, ये तो महिलाओं के बारे में कुछ ही जानकारी दी गई है। आपको परसों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। हर फीमेल खुद के लिए और हर पति पत्नी को समझने के लिए ज़रूर देखते रहें। हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, यश आए, कीर्ति आए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है वो भी तो जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। घर का हेड ऑफ द फैमिली अपने खाने में से गाय, चिड़िया और डॉग के लिए कुछ अंश निकाल कर उन्हें रेगुलरली खिलाएं तो उसके घर में बहुत ही ज़्यादा सुख और सौभाग्य वास करता है। संडे के दिन को छोड़कर रोज़ाना सुबह नहाने के बाद पीपल के पेड़ पर आपको सादा जल और सैटरडे के दिन दूध और गुड़ या फिर दूध और शक्कर मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय धूप और कड़वे तेल का दीपक अर्पित करना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक बिल्कुल नया लाल कपड़ा लेकर उसमें आप जटा वाला नारियल बांधकर प्रभु का स्मरण करते हुए इस नारियल से अपनी मनोकामना को 7 बार कहें और फिर उसे बहते जल के पास छोड़ दें।